हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस लगातार रात के समय बेवजह सड़कों पर घूमने वाले और रात 11 बजे के बाद दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई कर रही है। मुंब्रा पुलिस के पीआई गीतराम शिवाले और पीएसआई हर्षद काले इनकी टीम ने रात के समय कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस रात को कार्रवाई करती है, मगर इसके बावजूद मुंब्रा शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम है कि 11 बजे के बाद पुलिस रोज कार्रवाई करती है, मगर इसके बावजूद भी बेवजह सड़कों पर घूमना, इधर उधर खड़े होकर बातें करने से ये लोग बास नहीं आ रहे हैं। कई जगह तो दुकानें भी खुली हुई मिली है, जिन्हें पुलिस ने बंद करवाया। इसके अलावा कुछ लोग गलियों में भी बेवजह घूम रहे थे, पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर घर भेजा। रात 12 बजे के बाद अमृत नगर, तनवर नगर और रशीद कंपाउंड शिमला पार्क में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ाया है। ऐसे में क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वक्त रहते वो अपने घर चले जाएं? किसी के साथ रात में सड़कों पर घूमना कितना ठीक है? ऐसे में माँ बाप की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे कि पुलिस की ज़रूरत ही ना पड़े, कि रात में पुलिस रोड से जब उन्हें दौड़ाए तो उनके बच्चे घर पे आए। बच्चों को अच्छी बात सिखाना, रातों को बेवजह घूमना, नशे की आदतों से दूर रखना, ये बच्चों के माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुंब्रा पुलिस भी रात के समय में ऐसे लोगों पर को समझा बुझा कर उन्हें घर वापस भेज रही है और नशे से भी दूर रहने की मुंब्रा पुलिस सलाह दे रही है। ऐसे में पीएसआई हर्षद काले ने भी अब तक ऐसे कई नशे के सौदागरों को भी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। कल रात में पीआई गीतराम शेवाले और पीएसआई हर्षद काले इनकी टीम ने रात 12 बजे के बाद मुंब्रा के सड़कों पर जो बेवजह लोग घूम रहे थे और कई दुकानें ऐसी खुली थी, इस पर किस तरह से उन लोगों ने कार्रवाई की है ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। पीछे गए Thank you.
भी हो तुम लोगों को 11 बजे का टाइम लेंगे ना, ये समझ में नहीं आता तुम लोगों को। ये एक्स्ट्रा टाइम तुम लोग चालू करते इसलिए कर दी होता है। रात में भी तुम लोग को बैठना है, बाहर घूमना है। आराम आराम करो घर पे।